Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This information is very much important for undergraduate UG level students after 12th examination जो exam देने जा रहे हैं CUET का. आप सब लोगों को पता है इस बार CUET का exam देना है जो कि National Testing Agency conduct कर रही है. जो भी बच्चा जिसने भी 12th pass किया है या 12th का exam दिया है, जो भी आप graduation करना चाहता है degree, किसी भी degree college में किसी भी stream में जो है admission लेना चाह रहा है future में, उसको पहले कौन सा exam clear करना है, उसको National Testing Agency का जो CUET एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट एग्जाम वो जो है उसको देना है. तो उसके लिए जो है 2023 इस बार जो है यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी ये निकाला गया. ओवरऑल इंडिया में अब ये क्या होता है कि जब भी डिग्री कॉलेज का एडमिशन लेना होता है पहले एग्जाम लेना होता है. उसके लिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि उनका जो एग्जाम रखा गया था स्पेशली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे उनका रिशेड्यूल किया गया है एग्जाम. ठीक है, रिशेड्यूल किया गया है एग्ज़ाम. क्यों? क्योंकि आपको पता है इनकी सेंटर नोट्स जब आउट हुई थी इनका एग्ज़ाम रखा गया था पंजाब में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता था और हर कोई बच्चा एफर्ड नहीं कर पाएगा ऐसे आउटसाइड अपनी यूनियन टेरेटरी अपनी टेरेटरी के बाहर जाना, क्योंकि आपको पता है बोर्डिंग लॉजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या बाकी एक अलग जगह पर जाना, फिर कोई ढूंढना जो साथ होगा तो वो भी, या फिर खर्चा बाकी सब कुछ, और स्पेशली आपको लगता है फिर इसे एक डिस्करेजिंग स्टेप भी हो सकता है कुछ ट्राइबल गर्ल्स के लिए या बाकी गर्ल्स के लिए. तो इसके लिए बहुत ही ह्यू एंड क्राई हुआ था कल परसों से, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो मनोज सिन्हा है, उन्होंने फिर ट्वीट भी किया था इसके रिगार्डिंग. अब NTA CUET वालों ने जो है अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें उन्होंने लिखा कि 87,309 स्टूडेंट जो है अपेयर हो रहे हैं. इनका जो एग्ज़ाम था 21st to 25th में वो कैंसिल किया गया फिलहाल के लिए. 21st to 25th में 2023 जो इनको एग्ज़ाम रखा गया था उसको फ़िलहाल कैंसिल किया गया, और जल्दी ही अलग से एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी. क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, इन कंटिन्यूएशन टू द नोटिस हैज़ बीन डिसाइडेड दैट एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 21st to 25th में इज़ कैंसल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अ टोटल ऑफ 87,309 स्टूडेंट्स यूनिक कैंडिडेट्स हैव बीन रजिस्टर्ड. दिस इज़ फिनोमिनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एज पर द लास्ट ईयर. बींग सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द NTA इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग टेम्प्रेरी सेंटर्स इन कश्मीर. अब NTA ये देख रही हैं कि यहाँ पे सेंटर्स सेटअप करें इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, सो देट कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े. अगर कश्मीर डिवीजन के बच्चे हैं उनको कश्मीर में ही सेंटर रहे मेन सिटीज़ में, या जम्मू डिवीजन के बच्चे हैं उनको जम्मू में मेन सिटीज़ में सेंटर रहे. ठीक है, तो उनके लिए अभी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि टेम्प्रेरी सेंटर्स यहाँ पर सेटअप किए जाएँ. इट हैज़ बीन डिसाइडेड इट विल CUET 2023 विल नाउ बी कंडक्टेड फ्राम 26th मे ऑनवर्ड्स. अब ये 26 मे ऑनवर्ड्स इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा. और जो फर्दर है इस की जो ये वेबसाइट है www.nta.ac.in और CUET.samarth.samarth.ac.in, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, इन्हीं वाली जो इनकी जो वेबसाइट है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, उसी पे फिर से एक और नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी. तो आप इस पे चेक कर लीजिए, या विद टाइम आपको न्यूज़ पोर्टल्स भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और मैं भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूँगी नए डेट्स के बारे में. अब जो 21st to 25th मे को एग्ज़ाम होने जा रहा था जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टूडेंट्स का, वो कैंसिल होकर अब 26th मे से होगा, और ये दे आर लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटी फॉर सेटिंग अप ऑफ द टेम्प्रेरी सेंटर्स हियर, राइट. तो बेसिकली NTA एग्ज़ाम कर रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आप सब लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन आता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये अंडर ग्रेजुएट CUET वाला एग्ज़ाम कर रही है कंडक्ट, राइट. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन थी. बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर यंगर वंस, सो दैट कि उन सबको पता चले, एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.